धना जी सरदार को भगाने के बाद गुनू जी ने धना जी सरदार के जख्मों पर लगाया मरहम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये हम सब तो जानते ही थे खंडेराव के साथ साथ कि भगाने वाला कौन है, और वो भगाने वाला आखिरकार सामने आया जब वो अपने पिता के लिए खाना लेके गया, और वहां पे पिता के उन जख्मों को उसने देखा जो नासूर बन चुके हैं, और फिर उन पे लगाया मरहम। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो धना जी ने एक अपनी बातें कही हैं, जिस तरह गुन्नू जी के सामने रखी हैं, वो बातें सच में ये दिखाती हैं कि ये आज की खुंदस नहीं है उनके मन में, ये तब की है जब धना जी सरदार और मल्हार सरकार दोनों दोस्त थे और साथ में सेना में जाते थे लड़ाई करने के लिए। अब पेशवा ने मल्हार सरकार को एक राज दे दिया खुश होके, और इनको नहीं मिला। अब इनको ये लगता है कि ये जो राज मिला है ये मल्हार सरकार को अपनी मेहनत से नहीं मिला, मेरी मेहनत भी उसमें बराबर थी। अब ये गलत फहमियां जो मन में बिठा के धना जी सरदार है बैठे हैं अभी, और इस खुंदस में सारा का सारा काम खराब कर रहे हैं शुरू से लेके अब तक, वो कहां से सही हो सकता है? इसका मतलब आप पेशवा को गलत बोल रहे हो। और यहां पे इस चीज को याद रखने की जगह कि अगर मल्हार सरकार को गद्दी मिल गई, उन्होंने आपको पीछे नहीं छोड़ा, आपको उन्होंने एक इतना बड़ा ओहदा दिया जिसपे बैठ के आप इतना बड़ा करप्शन कर रहे थे, आपके घर पे अपनी बेटी भी आई, इससे बड़ी इज्जत आपको और कौन देगा? मल्हार सरकार ने दी, मगर वो बातें बिल्कुल याद नहीं है। याद है तो ये कि इनको और मुझे एक ही जगह पे देखा गया था, हम लोग एक ही जैसे थे, और इनको मिल गया राजगद्दी, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे वो राजगद्दी चाहिए। तो ये खुंदस है दोस्तों जो धना जी सरदार ने गुन्नू जी के सामने रखी। अब गुन्नू जी, क्योंकि बाप ऐसा है, परवरिश ऐसी की है गुन्नू जी की, तो वो वैसे ही है, कुछ जीन्स का भी फर्क होता है। तो गुन्नू जी तो पहले से भड़के हुए हैं इतने बड़े बड़े झूठ बोल के, और बोल रहे हैं अपने पिता के सामने कि आ तो गया था मेरी तरफ इशारा, खंडेराव ने बोला तो था कि मैं हूं, मगर मैंने जोर जोर से बोल के सारी बात ठप कर दी। ये गुन्नू जी है, इतना बड़ा ट्रेनिंग ली है उन्होंने अपने पिता से, तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? तो ये पूरा सीन देख के, जब उनको हम देखते हैं कि जैसे धना जी सरदार खाना खाने से मना करते हैं, और गुन्नू जी कैसे उनको एनकरेज करते हैं कि खाना खाओ, और धना जी सरदार कहते हैं कि ये मेरे साथ सब शुरू से होता आया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब यह है कि आज तक आपने अपने अंदर देखा ही नहीं है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, इसमें किसी और की गलती नहीं है, सिर्फ आपकी गलती है। पेशवा ने अगर मल्हार सरकार को चुना होगा तो उनमें वही खूबियां देखी होंगी जो आज हम सब देख पा रहे हैं, और आप में वो खूबियां नहीं है, इसलिए आप यहां पे हो, इसलिए आप अब वो फर्क जो आप बोल रहे हो, इसलिए उस फर्क का अभी आपको हिसाब देना पड़ रहा है। और फिर जो गुन्नू जी मरहम लगाते हैं अपने बाबा साहेब को, हौसला देते हैं, कहते हैं कि ये बदला लूंगा मैं, वो जो मशाल पकड़ के आग की बात करते हैं, आग तो जलेगी, ये जलेगा, वो जलेगा, वो सब बातें करते हैं। तो ये जो मरहम है अभी के लिए तो काम करेगी, अभी तो करेगी, खाना खा लेंगे धना जी सरदार, मगर क्या इनको ये अभी भी नहीं पता है कि इतनी देर से ये जो कोशिशें करते आ रहे हैं खंडेराव के बचपन से अभी तक मारने की, ये कोशिश वो कोशिश, कोई भी कोशिश इस तरह से कामयाब हुई है? अभी तक खंडेराव को इतने हमले कर चुके हैं, ये खंडेराव को कोई चोट तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये इस तरह की जो हल्लाशेरी कह सकते हैं हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, अपने बाबा साहेब को देते हैं इस समय, चलो उनको जरूरत भी है कि बंद कमरे में कैदी बैठा है, मगर दोस्तों इससे अच्छा ये था कि धना जी सरदार वहीं पे रहते, अपने पापों का हिसाब करते, और आगे जो अगली लाइफ आने वाली है उसको सही तरीके से जीने के लिए अपनी क्लीन चिट लेते भगवान से। मगर इतनी अक्ल नहीं है ना, अक्ल तो दूसरी तरफ दौड़ती है। तो ये जो मरहम लगाने वाला है उसकी मरहम में भी कोई ऐसा वो नहीं है जिससे कि उनको असली सच्चाई का पता चले, धना जी सरदार को अपने किए पे पछतावा हो, ये बल्कि उल्टी मरहम है, उनके जख्मों पे जो नासूर बन चुके हैं उनको और भड़काएगी और लोगों की हत्या करवाएगी। तो ये मरहम तो है फिलहाल के लिए, मगर इन द लॉन्ग रन ये मरहम नहीं है, ये बदले की आग को भड़काने वाला एक ऐसा तंत्र उनको दिया गया है गुन्नू जी को, जो अपने अंदर भी भड़का रहे हैं और मल्हार सरकार के खिलाफ
धनाजी सरदार की मदद कर रहे हैं उनको बदला लेने के लिए। आपका क्या कहना है दोस्तों इसके बारे में, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।